हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रबड़ी वाली कुल्फ़ी, जो हम मार्केट से खाते हैं, जो रेडी वाले भैया बेचते हैं, जो हम लेके बहुत शौक से खाते हैं। तो आज हम वो आइसक्रीम आपको घर पे बनाना, बिल्कुल सेम टू सेम उतनी ही लंबी आइसक्रीम आपको बनाना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रबड़ी वाली कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा लीटर के लगभग दूध, क्योंकि हम दो ही लोग हैं खाने वाले, तो मैंने आधा लीटर दूध लिया है। और उसमें एक कटोरी शुगर और थोड़ी सी इलायची और ड्राई फ्रूट्स, कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, तो इतनी ही चीज़ें चाहिए हमें आइसक्रीम बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि ये जो दूध है हमारा, ये मैंने मलाई वाला दूध लिया है, तो दूध को अच्छे से कढ़ाई में डाल के हमें उबालना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने दो बार गर्म किया हुआ था तो उसमें अच्छी सी मलाई आ चुकी है। तो मलाई वाले दूध से क्या होता है, रबड़ी की कुल्फ़ी बहुत अच्छी बनती है। तो अभी हम इसको कढ़ाई में डालेंगे और अच्छे से कम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमें इसको उबालना है। ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जितना गाढ़ा पड़ता है उतना ही हमारी कुल्फ़ी जो है वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो इसको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए और इसको उबालना है। तो इस तरह से स्पैचुला से स्टर करते हुए हमें इसको 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे उबालना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगे इसमें इलायची पाउडर डाल देना है, क्योंकि जो इलायची पाउडर है वो उसका जो हम उबलते हुए दूध में डाल देते हैं तो उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से अभी आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, तो मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि कुल्फ़ी का जो फ्लेवर है, इलायची का पाउडर का जो स्मेल है, वो अच्छे से दूध में सेट हो जाए। और इसको कंटिन्यूसली स्टर करेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। लगभग 5 मिनट के बाद मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है, तो 5 मिनट और पकाएंगे इसको। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो इसमें से जो मलाई है वो थोड़ी और गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो अभी दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है, तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। शुगर जब दूध ठंडा हो जाएगा तब ऐड करना है, क्योंकि अगर गर्म दूध में शुगर ऐड कर देते हैं तो दूध पतला हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर हम गर्म दूध में चीनी डालेंगे तो ये चीनी का पानी होगा तो दूध पतला हो जाएगा। तो दूध को पहले ठंडा करना है, उसके बाद इसमें अब हम शुगर ऐड करेंगे, तो इससे दूध की कंसिस्टेंसी जो है वो दूध पतला नहीं होता है। तो चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे, पूरा हमें चीनी को गलाना है। तो थोड़ा, क्योंकि दूध ठंडा हो गया है तो चीनी को थोड़ा मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बट अभी दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने जो कुल्फ़ी जमाने का जो मोल्ड है वो रेडी कर लिया है। इस तरह से मैंने एक प्लास्टिक का जो गत्ते का डंडा आता है, जो लकड़ी आती है, आप लकड़ी का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे गत्ते का बॉल लिया है तो वो यूज़ किया है। और इससे इस तरह से फॉइल पेपर से कवर बना लिया है, नीचे से भी पैक है ये अच्छे से। तो इसके भी स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि इसको आप कैसे घर पर बना सकते हो। बहुत ईजी है इसको भी घर पर बनाना, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप घर पे इसको आसानी से बना सकते हो। तो अभी मैं पहले आपको आइसक्रीम जमाना दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हम ये छोटा सा जो भी कोई डब्बी का ढक्कन हो उसमें आप इस तरह से इसको रख दे, ताकि फ्रिज में ये बिल्कुल स्ट्रेट रह पाए। तो अब हम इसमें स्पून की हेल्प से और हमारी जो रबड़ी है वो डाल देंगे, क्योंकि ये गाढ़ी हो गई है तो ये दूध नहीं रहा है, रबड़ी बन चुका है। तो इस तरह से स्पून की हेल्प इसको डालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये ऊपर से बहुत छोटा है होल इसका, तो थोड़ा थोड़ा स्पून की हेल्प से आपको इसको डालना पड़ेगा। तो इस तरह से डाल दें आप इसके अंदर। तो अभी देखिए, मैंने इसको नीचे से अच्छे से पैक कर दिया है, ताकि जो रबड़ी है वो नीचे से निकले नहीं। तो ये मैंने पूरा भर दिया है इसको फ्रेंड्स। अब हम इसके अंदर जो लकड़ी का जो होता है, डंडा होता है, वो डालेंगे, जो आइसक्रीम खाने का होता है वो डालेंगे। तो उसके लिए मैं, वो भी आपको इजीली मिल जाता है,
तो अभी ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने फुल इसको भर दिया है और ये कहीं से भी नहीं निकल रहा है, मतलब हमारा जो कवर है वो बहुत अच्छे से बना है। सो गाइज इसको फिर से उसी ढक्कन में रख देंगे। और ये देखिए ये मैंने लकड़ी के ऊपर इतना सा फॉइल पेपर का ही टुकड़ा लिया है जिसमें लकड़ी को डाल दिया, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे ताकि जो हो जब हम इसको फ्रीज़र में रखें तो आइस हमारी कुल्फ़ी के अंदर ना जाए। तो इस तरह से जो लकड़ी का टुकड़ा है वो अंदर डाल देंगे और अब हम इसको फ्रीज़र में 6 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 5 से 6 घंटे हमें इसको सेट करके रखना है। तो 6 घंटे हो चुके हैं, अब हम अपनी आइसक्रीम को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से बिल्कुल जम गई, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है ये। अब इसको नीचे से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फुल जम चुकी है। तो अभी मैं आपको इसके कवर को बनाना बताऊंगी। तो अभी देखिए आप इसके लिए मैंने ये जो शर्टिंग्स के जो पीसेस आते हैं उनमें ऐसे डंडे आते हैं, तो गत्ते का जो मैंने एक डंडा लिया है और इसको हम क्या करेंगे, ये फॉइल पेपर का एक टुकड़ा लिया है जितना मुझे कवर बनाना है उस इसको इस डंडे को बीच में रख के और अच्छे से इसको चारों ओर से कवर कर देंगे इस तरह से। और क्योंकि फॉइल पेपर बहुत ईजीली चिपक जाता है तो इसको इस तरह से राउंड राउंड करके और चिपका देंगे। और यहाँ पे मैंने मैदे की लोई बनाई है, मतलब कि मैं मैदे का गम बनाया है। मैदे को थोड़ा सा 1 चम्मच मैदा ले और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको घोल कर ले, तो इससे ये अच्छे से चिपक जाता है, निकलता नहीं है और किसी भी चीज़ से ये इतना अच्छा नहीं चिपकता है। फ्रेंड्स अगर आप टेप से चिपकाने की कोशिश करेंगे तो उतना जो इसका जो लॉक रहता है वो उतना लॉक नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इसको अच्छे से फोल्ड करके और अच्छे से चिपका लेंगे। तो बहुत इजी है इस कवर को बनाना। और फ्रेंड्स समर का सीजन है, आइसक्रीम खाना किसे नहीं पसंद, और रबड़ी कुल्फी मिल जाए तो वाह क्या बात है, मज़ा ही आ जाए इस समर के सीज़न में। तो आप भी अपने घर पे बना के, बच्चे ज़िद करते हैं हमें लंबी वाली आइसक्रीम खानी है, लंबी वाली आइसक्रीम खानी है, तो उनको बना के दे सकते हैं इजीली, ना किसी मोल्ड की ज़रूरत पड़ती है और ना कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। घर पे बहुत आसानी से आइसक्रीम जमा सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स दूध वाली आइसक्रीम बच्चे ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। नॉर्मली बाहर चोकोबार चाहिए, बटर स्कॉच चाहिए, वो सब आइसक्रीम चाहिए, या फिर कुल्फ़ी भी खानी है तो लंबी वाली खानी है, तो बच्चों को ये बना के दीजिए, बहुत यमी होती है खाने में, बिल्कुल जैसे हम उन लोगों से लेके खाते हैं, कुल्फ़ी वाले भैया से लेके खाते हैं, बिल्कुल वैसे बनती है। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर आप इस आइसक्रीम को खा के बहुत इंजॉय करोगे एंड वीडियो देख के भी बहुत इंजॉय करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से चिपका के और हमारे कवर को रेडी कर दिया है। अभी इसका एक और स्टेप पेंडिंग है फ्रेंड्स। तो वो मैंने इसको 2 घंटे तक अच्छे से धूप में सुखा लिया था और अब मैंने यहाँ पे ये जो ग्लास आता है प्लास्टिक का, इसके नीचे का जो पार्ट है वो कट कर लिया है नीचे से पैक करने के लिए। तो अभी देखिए अभी हम क्या करेंगे इसको, ये मैंने आपको पूरा कवर निकाल के दिखा दिया है, बन गया है गोल गोल। तो अब जो प्लास्टिक है उसको हमें सेट करना है, तो इसको फिर से ये जो डंडा है इसके ऊपर हम प्लास्टिक का रखेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। तो थोड़ा सा नीचे डंडे को नीचे करके जैसे भी आपको इजी लगे वैसे आपको इसको नीचे पूरे, मतलब नीचे का जो सेंटर है वहाँ पे इसको करना सेट करना है। तो क्योंकि मैंने थोड़ा सा बिल्कुल सेम साइज़ का लिया है तो ये अच्छे से नीचे जो नीचे का जो तला है वहाँ पे ही अच्छे से, ये देखिए प्लास्टिक जो है वो अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम जो हमारा डंडा है उसको निकाल लेंगे बाहर और जो ऊपर का जो फॉइल कवर का एक्स्ट्रा जो पीसेस है, जो पार्ट बचा हुआ है उसको अंदर फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल एक फिंगर की हेल्प से हमें इसको बिल्कुल टाइट सेट करना है, तो इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये नीचे से अच्छे से कवर हो जाता है, हमारी जो रबड़ी है वो नीचे से निकलने का डर नहीं रहता है। फ्रेंड्स इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत इजीली आप बना सकते हो। अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है तो आप इसकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे लिया है ग्लू, तो ग्लू को थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स प्लास्टिक का तो मैदा काम नहीं आता है, तो थोड़ा सा ग्लू लेके और उसको चिपका देंगे।
तो ये देखिए ये बहुत, और ग्लू से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो ये चिपक गया ग्लू से अच्छे से। ओके तो हमारा ये प्रोसेस भी डन है। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे सेट हुआ है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप मैदे से इस कवर को बना रहे हो तो इसको गोल गोल बनाने के बाद में इसको 2 घंटे धूप में सुखाना है, तभी वो जो ग्लू है वो सूख जाएगा। तो ये देखिए ये अच्छे से बन के रेडी हो गया है। अब फ्रेंड्स हम अपनी आइसक्रीम को निकाल लेते हैं बाहर। कवर जैसे मैंने आपको बताया है आप बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा तो परफेक्ट कवर आपका बन के रेडी होगा। और इस तरह से फॉइल पेपर को धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से ऐसे निकाल लीजिए। वाह कितनी यम्मी आइसक्रीम बनी है फ्रेंड्स, मुझे तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो फ्रेंड्स आइसक्रीम बनके बिल्कुल रेडी है। आप अगर इसमें केसर का या कोई और चीज़ का यूज़ करना चाहें, चॉकलेट जो कोको पाउडर है उसका यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हो। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के आप आइसक्रीम इसमें जमा सकते हो और गर्मियों का मज़ा ले सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हो मेरे चैनल का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कीजिए। तो आइसक्रीम बनके बिल्कुल रेडी है। तो मैं मिलूंगी आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।